मल्टी डायमेंशनल अरे के पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि मल्टी डायमेंशनल अरे होती क्या है, डेफिनेशन क्या है, किस तरीके से उनको इनिशियलाइज़ किया जाता है, किस तरीके से उसकी वैल्यूज दी जाती हैं और उनको किस तरीके से विजुलाइज़ करना चाहिए बेसिकली। क्योंकि सामान्यतः हम टू डायमेंशनल या थ्री डायमेंशन में सोचते हैं, तो टू डायमेंशनल या थ्री डायमेंशनल को हम विजुलाइज़ कर सकते हैं, इसलिए कैसे विजुलाइज़ करना चाहिए था ये भी हमने थोड़ा सा जानने की इसमें कोशिश की थी। और अब हम ये कोशिश करेंगे जानने की कि भाई मल्टी डायमेंशनल अरे जो है वो काम कैसे करती है। तो इसके लिए एक बहुत ही सुंदर सा, एक बहुत ही अच्छा सा प्रोग्राम है जिसको हम लेंगे और उससे हम जानने की कोशिश करेंगे कि मल्टी डायमेंशनल अरे किस तरीके से काम करती है। तो ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम हम लेते हैं। ये प्रोग्राम एक्चुअल में कर क्या रहा है, ये प्रोग्राम दो टेबल्स ले रहा है इंटीजर्स की और उनको दो टेबल्स को आपस में ऐड करके, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड करके और फिर आपको डिस्प्ले कर रहा है। ये बात जो मैं बोल रहा हूँ इससे आपको एक बात समझ में आ गई होगी और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इससे भी आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये एक्चुअली है क्या। ये एक्चुअली सम ऑफ मैट्रिसेस है, यानी कि एक मैट्रिक्स ली, उसके एलिमेंट्स को ए आई जे से डिनोट करते हैं हम, और इसी तरीके से दूसरी मैट्रिक्स बी आई जे से डिनोट होती है, और जब भी उनका सम किया जाता है, अगर वो एक ही तरह की डायमेंशन की हैं तो उनको जब सम किया जाता है तो वो जो तीसरी मैट्रिक्स आती है उसमें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ के लिखा जाता है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में सम ऑफ मैट्रिसेस वाला प्रोग्राम है और कुछ भी नहीं है। इसको हम सिर्फ यहाँ पर एक जनरलाइज वे में बोल रहे हैं जो कि अरेज में बोलना चाहिए कि वी आर रीडिंग टू टेबल्स। टेबल्स कब होती हैं, टेबल्स जब टू डायमेंशन की बात करते हैं तो टेबल्स काम में ली जाती हैं। तो टेबल्स ऑफ इंटीजर्स इनटू द कंप्यूटर एंड कैलकुलेट द सम ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये एग्जाम्पल जो है ना, ये एग्जाम्पल बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है प्रोग्रामिंग का, जिसके अंदर हम फंक्शंस जो कि यूजर डिफाइन है उनका उपयोग हम किस तरीके से करते हैं, ये यहाँ पर बहुत ही अच्छे से बताया गया है। यानी कि एक्चुअल प्रोग्राम जो है उसको बहुत छोटा बना दिया गया है और फंक्शंस को यूज़ में लिया गया है, तो हमको बाद में इसकी डिबगिंग और बाकी सब काम में भी आसानी होती है। हम ये प्रोग्राम पहले देखते हैं कि ये प्रोग्राम दरअसल है क्या, और फिर उस प्रोग्राम को हम एक्चुअल में रन करके भी देखेंगे कि जो हम बात कह रहे हैं वो बात उसी तरीके से लागू हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, चलिए देखिए। सबसे पहले stdio.h ये हेडर फाइल होती है, हेडर फाइल तो काम में लेते ही हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं थोड़ा इंक का कलर बदल लेता हूँ जिससे थोड़ा सा अपने को बात को समझने में आसानी हो जाए। आई होप कि ये कलर रिलेटिवली बेटर होगा। या राइट नाउ, इसके बाद देखिए हमने दो और चीज़ें हमने डिफाइन करी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर वही हैश के साइन के साथ डिफाइन करते हैं और ये ग्लोबली डिफाइन करते हैं। ये एक्चुअल में ग्लोबल होता है, ग्लोबल वेरिएबल होता है, ये ध्यान रखने की बात है। तो हमने ये दो चीज़ें डिफाइन करी, मैक्स रोज उसको 20 डिफाइन किया और मैक्स कॉलम नाम से हमने 30 डिफाइन किया। तो जहाँ भी हम मैक्स रोज लिख देंगे उसका मतलब होगा 20, जहाँ भी मैक्स कॉलम रख देंगे उसका मतलब होगा 30, ये ध्यान रखने की बात है। अब आप कहेंगे कि भाई 20 लिखना ज़्यादा आसान है कि मैक्स रोज लिखना ज़्यादा आसान है। ठीक है, नेचुरली 20 लिखना ज़्यादा आसान है, लेकिन मैक्स रोज इसलिए लिखा जा रहा है ताकि हमें पता लगे कि ये मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, नाउ चलिए कैलकुलेट द सम ऑफ एलिमेंट। ये हमने इसका पहला जो है सिर्फ हेडिंग दिया है। ठीक है, इट हैज़ नो कंट्रीब्यूशन इन द कोड। तो कैलकुलेट द सम ऑफ एलिमेंट टू टेबल्स ऑफ इंटीजर, ये काम करने के लिए ये इसका प्रोग्राम का यूज है, या ये प्रोग्राम क्या कर रहा है ये उसका हेडिंग है। बेसिकली मेन से शुरू करते हैं, इंटीजर एन रोज और एन कॉलम्स।
ठीक है, ये हम नाम दे देते हैं दो कॉलम और एन का। उसके बाद अरे डिफाइन करते हैं, तो इंटीजर ए मैक्स रोज मैक्स कॉलम, इंटीजर बी मैक्स रोज मैक्स कॉलम, इंटीजर सी मैक्स रोज मैक्स कॉलम, ये तीन हम अरेज हम डिफाइन कर देते हैं। उसके बाद हम तीन फंक्शन प्रोटोटाइप हैं जो, जिसे हम कहें कि हमारे यूज़र डिफाइन फंक्शन है, उनको भी हम यहाँ पर डिफिनेशन उनकी दे देते हैं। तो एक है void read input, जो हमारे इनपुट रीड करेगा, उसमें इंटीजर ए मैक्स कॉलम और इंटीजर n रोज इंटीजर n कॉलम्स ये करेगा, और इसी तरीके से void computer sums, इंटीजर a मैक्स कॉलम्स इंटीजर b और इंटीजर बी भी मैक्स कॉलम, इंटीजर सी भी दिस एंड मैक्स कॉलम्स, इंटीजर एन रोज इंटीजर एन कॉलम्स। ठीक है, यहाँ पर हमने जो डिफाइन किया है, एक मैक्स कॉलम से ही डिफाइन किया है, मैक्स रोज को हमने काम में नहीं लिया है, तो हम जितनी भी रोज होती हैं मैक्सिमम उतनी हम काम में ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ये जानबूझ के ऐसा इसलिए लिखा है, आप यहाँ इस चीज़ का महत्व क्या है अगर आप ये जानने की कोशिश करें, मैं आप इससे सब एक्स्ट्रा काम रिमूव कर देता हूँ। ये जो लिखा है मैंने लिखा है ए, इसको मैंने ब्लैंक छोड़ा है, और इसको मैंने लिखा है मैक्स कॉलम्स। करेक्ट, मैक्स कॉलम जो है वो आपको पता है कि ये है 30, तो ये एक्चुअल में है ए, ये ब्लैंक है और ये 30 है ना। इसका मतलब ये है कि कॉलम में तो 30 स्पेस ये ऑलरेडी मेमोरी में स्पेसिफाई कर दी इसने, अलॉट कर दी, रिजर्व कर दी इसने, ठीक है, लेकिन रोज मैं जितनी लूँगा उतनी ही अलॉट होंगी। अगर मैं कहता हूँ मैं 3 रोज लेता हूँ तो सिर्फ 3 ही होंगी, 4 लेता हूँ तो 4 होंगी, 13 लेता हूँ तो 13 होंगी। ठीक है, इसका मतलब यह है कि मैं यहाँ जो मेमोरी एलोकेशन है मैं उसको यहाँ पर कंट्रोल कर रहा हूँ, ठीक है, मेमोरी को कम से कम वेस्ट जाने दे रहा हूँ, ये मैं कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से डिफाइन किया। बाकी इसका और कोई भी महत्व नहीं, मैं मैक्स रोज मैक्स कॉलम करके भी डिफाइन कर सकता हूँ, और चाहूँ तो दोनों को ब्लैंक भी छोड़ सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपने देखा था इनिशियली जो हमने अरे डिफाइन करी थी तो ब्लैंक से भी हमने डिफाइन करी थी। ब्लैंक से जब डिफाइन करते हैं तो वो डायनेमिक अरे होती है, डायनेमिक इन द सेंस कि जितने भी रोज या कॉलम होंगे वो मैक्सिमम उतने नंबर को मान के और उतनी ही मेमोरी स्पेस को काम में लेगा। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने तीनों इनपुट रीड करना, सम करना और आउटपुट करना, ये तीनों फंक्शन अलग अलग मैंने डिफाइन कर दिए। ठीक है, अब वो ये पूछ रहा है, यहाँ पर पूछेंगे हम कि हाउ मैनी रोज, कितनी रोज लेनी है आपको, तो रोज आप इनपुट करवाएंगे, हाउ मैनी कॉलम्स और कॉलम्स आप इनपुट कराएंगे, और उसके बाद अब देखिए कितना आसान हो गया काम यहाँ पर। पहले प्रिंट कराएंगे फर्स्ट टेबल रीड इनपुट से, यानी अब मैं इनपुट रीड कर रहा हूँ फर्स्ट टेबल के, वो यहाँ पर करूँगा। ये फंक्शन है, ये फंक्शन कॉल है, ये ध्यान रखना है, ये एक्चुअल में क्या है, ये इट इज़ अ फंक्शन कॉल। तो ये फंक्शन कॉल है और इसकी डेफिनेशन जो है ना वो मैंने सबसे आखिरी में दी हुई है, जिस तरीके से यूज़र डिफाइंड फंक्शन की डेफिनेशन दी जाती है उसी तरीके से मैं इसको सबसे आखिरी में दे रहा हूँ। चलिए, नेक्स्ट चीज़, उसके बाद सेकेंड टेबल रीड इनपुट, उसके बाद दोनों टेबल रीड होने के बाद अब हम क्या कर रहे हैं, उन दोनों टेबल का सम निकाल रहे हैं नेचुरली। तो ये जो है ये वापस से ये भी एक अनदर फंक्शन कॉल है, ठीक है, यहाँ पर भी अब दूसरा फंक्शन कॉल किया जिसने इसके इनपुट को लेके और उनका सम कर दिया, और उसके बाद सम ऑफ द एलिमेंट्स और उसके बाद आउटपुट, ये तीसरा फंक्शन कॉल है और ये हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो गया। तो आप देखिए प्रोग्राम का स्ट्रक्चर जो है ओवरऑल स्ट्रक्चर बिना किसी गलती के यहाँ पर बन गया है ना, और बहुत लंबा चौड़ा भी नहीं हुआ। अब लंबे चौड़े होने की जो चीज़ें हैं वो कहाँ हैं, वो हैं ये तीनों यूज़र डिफाइंड फंक्शन के अंदर। तो उनको हम देखते हैं कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन वो किस तरीके से काम आ रहे हैं या किस तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, जैसा कि मैंने बताया दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ हाउ द यूज़र डिफाइंड फंक्शन सिंप्लीफाई द प्रोग्राम, राइट। चलिए, तो नाउ विल डिफाइन द फंक्शन रिक्वायर्ड, दिस इज द फर्स्ट यूज़र डिफाइंड फंक्शन, दैट इज void read input। read input फंक्शन में हमारे पास तीन तरह के आर्ग्यूमेंट हैं, वो तीन आर्ग्यूमेंट कौन कौन से हैं, एक तो सबसे पहला तो अरे है जो आर्ग्यूमेंट के रूप में काम आ रहा है, यानी अरे के एलिमेंट्स, राइट, दूसरा इंटीजर m और एक इंटीजर n, m और n उसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स है,
ठीक। यहाँ पर मैंने इंटीजर रो कॉलम मैंने डिफाइन किया, रो इज इक्वल टू जीरो से लेकर रो लेस देन एन तक और प्लस प्लस रो। ये फॉर लूप इसलिए लगा रहा हूँ कि मल्टीपल नंबर ऑफ एलिमेंट हैं तो लूप लगाना ज़रूरी है। उसके बाद प्रिंट एफ एंटर डाटा फॉर द रो नंबर, कौन सी रो, रो प्लस वन, रो जीरो से शुरू हो रहा है ना, लेकिन रो की बात कर रहे हैं तो रो कभी भी ज़ीरो नहीं होती, रो शुड बी इधर फर्स्ट और सेकंड और थर्ड और फोर्थ, ठीक है ना, जीरो एथ रो नहीं होती है, जीरो एथ उसका सबस्क्रिप्ट हो सकता है लेकिन जीरो एथ रो नहीं होती है, तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने रो प्लस वन लिखा और इसके बाद सेकंड लूप लगाया मैंने, फॉर लूप, उसके अंदर कॉलम लिया और कॉलम में भी अपने, अब अपने ये लेने के बाद फर्स्ट रो में चल रहे हैं, फर्स्ट कॉलम लेने के बाद अब वो फर्स्ट एलिमेंट ले रहा है, ठीक है, तो वो यहाँ पर ये एलिमेंट इस तरीके से लेगा और ये चीज़ फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम एंड फिर फोर्थ रो, इस तरीके से चलती जाएगी जब तक कि ये टोटल नंबर ऑफ रोज मेरी नहीं आ जाए और टोटल नंबर ऑफ कॉलम मेरे एंटर नहीं हो जाए, तो सारी चीज़ें एंटर हो जाएंगी। तो ये मेरी जो रीड इनपुट यूज़र डिफाइंड फंक्शन है इसका काम यहाँ पर पूरा हो जाएगा, ठीक। चलिए, दिस इज़ द सेकंड यूज़र डिफाइंड फंक्शन, ये कहता है सम करना है। मैंने पहला रीड इनपुट कर लिया, दूसरी टेबल का रीड इनपुट कर लिया, अब मैं सम कर रहा हूँ, तो सम करने के लिए दोनों टेबल्स को ऐड करना है, करना उसी तरीके से फॉर कमांड रो और ये, फिर फॉर कमांड कॉलम पे अप्लाई होगा और ये चलेगा। अब ये जो है ये सी रो कॉलम इज इक्वल टू ए रो कॉलम प्लस बी रो कॉलम, है ना, यानी कि मैं करके आ रहा हूँ, ए ज़ीरो ज़ीरो ले रहा हूँ और उसमें बी ज़ीरो और ज़ीरो इसको ऐड कर रहा हूँ और उनकी वैल्यू जो है वो मैं सी को दे रहा हूँ जो कि ज़ीरो ज़ीरो। ध्यान से देखें तो ये काम यहाँ हो रहा है, ठीक है, ये एक एलिमेंट आ जाएगा, उसके बाद वापस से चलेगा ये दूसरे कॉलम के लिए, नंबर टू कॉलम के लिए, फिर वापस चलेगा नंबर थ्री कॉलम के लिए, कॉलम पूरे हो जाएंगे तो फिर ये चलेगा इस पर आएगा सेकेंड रो और फिर वापस से इसी पर चलता चला जाएगा, फिर थर्ड रो फिर इसी पर चलता चला जाएगा। ये चीज़ है, इसी तरीके से चल के ये सारे एलिमेंट्स को कैलकुलेट कर लेगा और उसके बाद रिटर्न हो जाएगा, ठीक है, यानी वो जो वैल्यूज़ हैं वो रिटर्न करेगा बकायदा, ठीक है ना, तो रिटर्न किसको करेगा, जो मेन फंक्शन है उसको, करेक्ट। चलिए, तो इसके बाद ये जो थर्ड यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन तीसरा आस्पेक्ट हमारा और बहुत ही इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट को पूरा करता है जो कि है आउटपुट दिखाना, इट इज़ टू बी राइट आउटपुट फंक्शन, उसी तरीके से डिफाइन किया है। पहला इसके अंदर आर्ग्यूमेंट है जो कि एक अरे आर्ग्यूमेंट है, दूसरा आर्ग्यूमेंट इंटीजर है, तीसरा आर्ग्यूमेंट भी इंटीजर है और सबसे पहले ये डिफाइन करेंगे रो और कॉलम को और फिर पहला फॉर लूप लगाएंगे, फिर दूसरा फॉर लूप कॉलम पे लगाएंगे और प्रिंट करेंगे ए इसके एलिमेंट्स सारे, ठीक है। देखिए यहाँ कन्फ्यूज मत होइएगा, एक्चुअली यहाँ जब राइट आउटपुट कह रहा हूँ तो ये ए लिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ए पहली वाली मैट्रिक्स या पहली वाली टेबल के एलिमेंट दे रहा है हमें, ये एक्चुअली जो भी आ रहे हैं उनको दे रहा है, ठीक है ना, जो भी वहाँ पर अप्लाई हो रहा है उसको दे रहा है एलिमेंट, वो आउटपुट दे रहा है सिर्फ, ठीक है, जो हमारे पास है उस आउटपुट को दे रहा है और कोई बात नहीं है, ठीक है ना, ये ध्यान रखने की बात है। यानी यहाँ पर जो एलिमेंट आएंगे, यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट होगा वो आर्ग्यूमेंट यहाँ शो होगा, अगर वो ए है तो ए शो होगा और बी है तो बी शो होगा और सी है तो सी शो होगा, ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ पर नहीं जाएंगे। प्रिंट एफ बैकस्लैश टी, इसका मतलब टैब है, ये एक्चुअली टैब है, यानी एक एलिमेंट यहाँ आता है तो दूसरा एलिमेंट फिर बढ़ के यहाँ आता है, फिर तीसरा एलिमेंट फिर बढ़ के यहाँ आता है, इस तरीके से चलेगा। और दूसरी बात, जैसे ही रो चेंज होती है, ये तो टैब कब लग रहा है, जब कॉलम चेंज हो रहा है, यहाँ कॉलम पे कॉलम वाले फॉर लूप में लग रहा है, और ये रो कब आ रही है, जब कॉलम वाले से बाहर आ गया और रो वाले लूप में है तो रो आ रही है, यानी फर्स्ट टू है, इसके बाद एंटर होके और सेकेंड रो पे आता है, तो यहाँ पर ये, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर उसके बाद वापस से नेक्स्ट रो पे, और इसी तरीके से ये चीज़ चलती है जब तक कि हमारी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स पूरे ना हो जाए, ठीक है। तो ये जो है
ये तीनों यूज़र डिफाइंड फंक्शन पूरे हो गए। तो अब इनपुट की बात करें तो पहले ये फंक्शन ऐसी तरीके से पूछेगा कितनी रोज़ हैं, तीन हमने कह दिया, कितने कॉलम हैं, फाइव कह दिया हमने, फर्स्ट टेबल की रो नंबर वन और टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर ये रो नंबर वन के अपने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड रो के लिए डाटा, थर्ड रो के लिए डाटा है, और इसी तरीके से सेकंड, सॉरी यहाँ पर शायद टाइप करने में गलती हो गई, एक्चुअल में यूज़र डाटा इस तरीके से काम नहीं करता, यहाँ फाइव ना होके यहाँ पर फोर होना चाहिए था। तो चार चार डाटा ले रहा है हर कॉलम में, हर रो में, ये ले लिया, सेकंड टेबल भी उसने ले ली। अब इसके बाद वो जो आउटपुट देगा वो इस तरीके से देगा। अब यही जो चीज़ है, ये चीज़ हमने बकायदा एक्चुअल प्रोग्राम में बना रखी है, ठीक है। ये एक्चुअल प्रोग्राम है, सेम प्रोग्राम है, वैसे का वैसे ही बनाया हुआ है, और इसको हम जो हमारा सी कंपाइलर है उस पर कंपाइल करके और रन करके देखेंगे किस तरीके से ये चीज़ काम में आती है। तो पहले मैं इसको, हमेशा जब सी प्रोग्राम हम बनाते हैं तो सबसे पहले उसके स्ट्रक्चर को बिल्ड करते हैं। क्यों बिल्ड करते हैं? क्योंकि उसके अंदर हम एक फाइल इंक्लूड कर रहे हैं, उसके अंदर हम कुछ फंक्शंस काम में ले रहे हैं जो सी के अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट हैं। तो ऐसे में अगर हम उसको बिल्ट नहीं करेंगे तो उसके जो डिफरेंट कंपोनेंट हैं वो आपस में जुड़ेंगे नहीं। इसलिए प्रोग्राम को बिल्ड किया जाता है, उसकी एक ईएक्सई फाइल बनती है, और तब रन करने पर वो ईएक्सई फाइल रन होती है, यानी एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, वो एग्जीक्यूटेबल फाइल रन होती है उसके बाद। तो यहाँ पर हम पहले इसको बिल्ट करेंगे, ये देखिए बिल्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम देखें नीचे की तरफ तो एरर जो है ज़ीरो एरर है, वार्निंग ज़ीरो है, आउटपुट फाइल नेम बता रहा है जो कि ये मल्टी अरे वन डॉट ईएक्सई, ठीक है। ये उसका आउटपुट साइज़ है, ठीक है, 130 केबी की साइज़ है ये, और उसके बाद कंपाइलेशन टाइम उसका जो लगा वो ये दिखा रहा है। कई प्रोसेसर में, कई आईडीज़ में ये चीज़ें दिखाता है, कई आईडीज़ में नहीं दिखाता, पर कुल मिला के ये कुछ इसी तरीके के रिजल्ट हमें मिलते हैं हर एक किसी भी आईडी में हम काम करें, ठीक है। अब हम इसको बकायदा रन करते हैं, हमने रन किया तो ये आउटपुट की विंडो आई, ठीक है। ये पूछ रहा है हाउ मैनी रोज़, मैं कहता हूँ तीन रो हैं और तीन ही कॉलम है। अब पहली टेबल के बारे में बात करता है, एंटर डाटा फॉर रो नंबर वन, तो मैंने डाटा एंटर कर रहा हूँ रो नंबर वन के लिए, वन और सिक्स, सॉरी फाइव, ठीक है, तीन ही मैंने कॉलम माने थे। इसी तरीके से फाइव फोर सेवन, इसी तरीके से थ्री फाइव नाइन, ठीक है। अब सेकंड टेबल की बात कर रहा है, सेकंड टेबल में फाइव फोर टू ज़ीरो टू फाइव, ठीक है, और थर्ड है एट नाइन सेवन, ठीक है। ये करते ही इसने सम ऑफ द एलिमेंट दे दिया है, ये अपने पास एक दोनों टेबल्स का जोड़ एक मैट्रिक्स के रूप में, एक्चुअल में ये मैट्रिक्स ही है, तो उन तीसरी मैट्रिक्स के रूप में इन दोनों टेबल का जोड़ आ गया। और ये जो प्रोसेस, ये हमारा जो आईडी ही है, या ये हमारा जो सी कंपाइलर है, ये इसमें प्रोसेस का जो टाइम है लग रहा है उसको भी वो दे रहा है, रिटर्न वैल्यू जो है उसको भी दे रहा है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन फ़िलहाल हर आईडी का और हर सी कंपाइलर का काम करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसका थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, आप जो काम में लें उसका थोड़ा सा अलग हो। तो ये एक लाइव एग्जांपल था कि किस तरीके से हमारा मल्टी डायमेंशनल अरे जो है वो काम करता है, और किस तरीके से यूज़र डिफाइंड फंक्शन भी हमारे काम करते हैं, ये एक खास बात है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। तो ये हमारा मल्टी डायमेंशनल अरे का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल था। ऐसा ही एक एग्जांपल जो किसी दूसरे एस्पेक्ट को बताता होगा, हम एक बार और एक एग्जांपल लेके मल्टी डायमेंशनल अरे को इसके आगे भी थोड़ा इन डेप्थ समझने की कोशिश करेंगे। सो अंटिल देन स्टे ट्यून्ड एंड